Hello everyone, HPPSC Shimla announces computer waste screening test from 4th July 2021 to 10th July 2021 for the following force. आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 18 जून 2021 को जारी की है. हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह निश्चय किया है कि 4 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य निम्नलिखित जो पोस्ट हैं उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो लिया जाएगा. जो पोस्ट हैं वो में हम आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं. सबसे पहले जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं उसके लिए एग्ज़ाम 4 जुलाई 2021 को कंडक्ट किया जाएगा 1 बजे से 3 बजे के मध्य, और उसमें रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटा पहले यानी 12 बजे जो है वो आपको इसमें रिपोर्ट करना है. दूसरा जो पोस्ट हैं वो लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं, उसके लिए भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड वो 5 जुलाई 2021 को लिया जाएगा, और रिपोर्टिंग टाइम जो है इसमें 12 बजे रहेगा, और एग्ज़ाम का शेड्यूल इसमें भी 1 से 3 बजे के मध्य ही रहेगा. इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण पोस्ट लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दी है, ये जो टेस्ट होना है वो 6 जुलाई 2021 को होना है 1 से 3 बजे के मध्य है, और रिपोर्टिंग टाइम इसमें भी 1 घंटा पहले यानी 12 बजे जो वो सेंटर पे कैंडिडेट को पहुंचना होगा. चौथी जो पोस्ट दी है वो लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, ये टेस्ट 7 जुलाई 2021 को होना है, ये भी 1 से 3 बजे के मध्य होना है, और इसमें भी रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटा पहले यानी 12 बजे जो है वो कैंडिडेट को सेंटर पे पहुंचना होगा. अगली जो महत्वपूर्ण पोस्ट इस में दी गई है वो है वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट, ये 8 जुलाई 2021 को होना है 1 से 3 बजे के मध्य, और इसमें भी रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 12 बजे रहेगा यानी 1 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुँचना है. अगली पोस्ट जो है लेक्चरर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, और इसमें जो टेस्ट कंडक्ट होना है ये 9 जुलाई 2021 को कंडक्ट होना है 1 से 3 बजे के मध्य है, और रिपोर्टिंग टाइम इसमें भी 1 घंटा पहले 12 बजे जो है वो कैंडिडेट को सेंटर पे रिपोर्ट करना होगा. अगली जो पोस्ट है मेडिकल फिजिस्ट, ये 10 जुलाई 2021 को होनी है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, आप ध्यान रखें नोट कर लें. ये 11 से 1 बजे मॉर्निंग सेशन में जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इसमें रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे यानी इसमें भी 1 घंटा पहले कैंडिडेट को सेंटर पे रिपोर्ट करना होगा. रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर्स की जो पोस्ट है उसके लिए भी 10 तारीख को ही स्क्रीनिंग जो टेस्ट होना है ये 3 से 5 बजे के मध्य में होना है. ध्यान दीजिए 3 से 5 बजे के मध्य में इवनिंग शिफ्ट में होना है, और रिपोर्टिंग टाइम जो है इसमें 2 बजे रहेगा यानी 1 घंटे पहले इसमें रिपोर्टिंग टाइम रहेगा. सभी कैंडिडेट्स को जो ई एडमिट कार्ड्स हैं वो उनके लॉगिन अकाउंट में जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और वेबसाइट से जो कैंडिडेट हैं वो अपने एडमिट कार्ड्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और उस एडमिट कार्ड में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो दी होगी कि आपने अपने साथ क्या सामग्री ले जानी है, रिपोर्टिंग करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, और कैंडिडेट्स को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी जो कैंडिडेट्स ने मोबाइल नंबर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में भरा था उस पर जो है वो फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे. साथ में अगर कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी करनी है तो 10 से 5 बजे के मध्य जो है वो टेलीफोन नंबर जो दिए गए हैं और जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर जो संपर्क कर सकते हैं. तो फॉर लेटेस्ट अपडेशन फॉलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टडी टिक्स. थैंक यू.